हम सम्मान करते हैं और हमें बड़ी खुशी हुई कि प्रधानमंत्री जी राष्ट्र के लिए और हर समाज के लिए काम कर रहे हैं और हर समाज के व्यक्ति को इस बयान का सम्मान करना चाहिए और प्रधानमंत्री के की का जो सोच है वो ख़राब नहीं होनी चाहिए। अब हर समाज को जो है वो देश के लिए राष्ट्र के लिए जो है वो देश से जुड़ना है और राष्ट्र से जुड़ना है। बहुत अच्छी बात उन्होंने कही है, लेकिन इस बार मैं ये चाहूँगा कि मुसलमानों को ये दिखा देना चाहिए कि मुसलमान देश के साथ है और राष्ट्र के साथ है, और जो पार्टी देश के लिए राष्ट्र के लिए और राष्ट्रहित के लिए काम करेगी मुसलमान उसे वोट देगा। प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो आज बयान दिया है और हम ये समझते हैं कि अपने पार्टी के लीडर्स और वर्कर्स को ये डायरेक्शन दिया है कि समाज के हर तबके के साथ मिल करके आगे बढ़ना है, इररिस्पेक्टिव ऑफ ये कि कौन वोट देता है कि कौन वोट नहीं देता है। ये एक बड़ा बयान है और इसका हम लोग वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं, इस उम्मीद के साथ कि उनकी इस नसीहत को उनके पार्टी वाले सीरियसली मानेंगे और उस पर अमल करेंगे। और उसी के साथ साथ आए दिन जो कुछ लोग किसी भी ख़ास कम्युनिटी के ख़िलाफ़ बयानात देते हैं, इससे उस पर भी रोक लगेगी। खूबसूरत बयान उनका ही है और एक बहुत बड़े लीडर और खुले दिल के लीडर की हैसियत से उन्होंने बयान दिया है, और ऐसा बयान जो है वो मैं तो नहीं समझता किसी लीडर की तरफ से कभी आया हो कि इस तरह से उन्होंने कहा कि चाहे हमें वोट मिले चाहे ना मिले, लेकिन ये हम सब के लिए काम करेंगे। और ख़ासतौर से जो उन्होंने हमें बीजेपी के जो लीडर से कहा है, अपील की है कि सबसे मिले, ये ना देखे कि उन्होंने वोट दिया है कि नहीं दिया। आमतौर पर देखा ही जाता है वोट पॉलिटिक्स चलती है, वोट अगर तुम हमें दोगे तो हम तुम्हारा काम करेंगे, नहीं दोगे तो हम तुम्हारा काम नहीं करेंगे, यही चला आया है। लेकिन उन्होंने बिल्कुल उसको उलट दिया है और उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि चाहे उन्होंने ये ना देखो कि वोट दिया है नहीं, बल्कि उनका तुम काम करो, उनसे मिलो, उनसे मुलाकात करो और उनकी भलाई के लिए तुम सब काम करो। ये बहुत अच्छा बयान है, लेकिन बस इसमें ये कुछ छोटे भैया जो लीडर हैं बीजेपी के, वो काम ख़राब करते रहते हैं और उल्टे सीधे बयान दे रहते हैं, जिसकी वजह से हमारे मोदी जी की और जो बड़े लीडर हैं बीजेपी की, उनकी छवि ख़राब हो जाती है और अपोजिशन को बहाना मिल जाता है। बड़ा खुशाइन बयान है, अगर इस तरह वज़ीर आज़म इस तरह अगर सारे तबकात को लेकर के सारे स्टेट की आवाम को और पसमंदा मुसलमान को पसमंदा तबकात को साथ लेकर चलें तो उनकी हुकूमत और मज़बूत होगी और बेहतर होगी। मोदी साहब से या बीजेपी की जो गवर्नमेंट है इससे किसी को कोई इतनी आपत्ति नहीं है, बल्कि सिर्फ ये जो नफ़रत की लहर हो रही है और जो इस तरह से मोब लब्जी के साथ जो भी शिकायत आ रही है, इस वजह से मुसलमान मुतनफ़िर है। वरना मुसलमान को तो यहाँ सही शासक हो जो उनकी खिदमत करे, उनके तमाम तकलीफ को सुने और उनको बराबरी का हिस्सा दिया जाए, उनको हर मामला में साथ लेकर चला जाए, तो मुसलमान किसी एक पार्टी का कोई मरहून मिन्नत नहीं है। जो उसके लिए फ़ायदे के लिए काम करेगा मुसलमान उसका साथ देगा और मुल्क की तामीर और तरक्की का जिसके अंदर जिसका अहम किरदार होगा मुसलमान उसके साथ होगा, उसे पार्टियों से कोई लेना देना नहीं है। मैं मोदी जी के इस कथन का स्वागत तो ज़रूर करता हूँ, लेकिन मोदी जी को आईना भी दिखाना चाहता हूँ कि आपके 8 साल कार्यकाल में अल्पसंख्यकों का आपने विश्वास जीता नहीं है, ख़ास तौर पर विश्वास खोया है। नारा ज़रूर लगा है कि सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, लेकिन ये वास्तविकता है, ग्रास रूट की सत्यता है, ज़मीनी हकीकत है कि 8 साल मोदी जी के राजकाल में खासतौर पर अल्पसंख्यकों का, मुस्लिम हों, क्रिश्चियंस हों, बुद्धिस्ट हों, उनका विश्वास डगमगाया है।